खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दरोगा का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल शिकारपुर के गांव बड़ी मिल्क के जंगल में 21 जुलाई को दो पक्षों के बीच शराब पीने को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस मामले में सुरेंद्र कुमार त्यागी ने 6 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच दरोगा सुखपाल सिंह कर रहे थे। आरोप है कि दरोगा सुखपाल सिंह ने आरोपी पक्ष को जेल नहीं भेजने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत मांगी। रिश्वत की पहली किस्त 35,000 रुपये दरोगा ने वसूल भी ली। दरोगा बाकी 15,000 की डिमांड कर रहा था। आरोप है कि 15,000 रुपये मिलने में देरी होने पर दरोगा लगातार दबाव बना रहा था। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि दो युवक दरोगा पर रिश्वतखोरी के कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जैसे ही घटनाक्रम एसएसपी के संज्ञान में आया, एसएसपी ने तत्काल दरोगा के खिलाफ जांच बैठा दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।